बच्चा का ड्रेस, सनाया का ड्रेस पहले तो इसके काम आ गया ना सना, कितनी प्यारी लग रही मिशा, और शूज भी सनाया के, और ये नायसा तैयार हो गई, ये सनाया, तो ये बहुत खुश है मिशा दादी, ये दोनों ज्यादा खुश है। तो चलो बैग कौन ले जाएगा, मिशा अपने टिफिन बॉक्स को चेक कर रही है। बाय, अच्छे से बैठना सना है ना, कब लाए तेरे, 2 बजे लाए, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, या 2 बजे सना मेरे साथ कालू, ठीक है। तो गाइज बस बच्चे चले गए स्कूल में, बाकी काम कर लिया घर का जो भी होता है, झाड़ू पोछा, उसके बाद में बच्चों को स्कूल लेने चले गई, कोई काम भी था तो मैं वहीं की बच्चों को स्कूल लेने चली गई, सनाया और नायसा को, मीसा को उसके पापा ले आते हैं और माहिर को आ जाता है। ये देखिए बारिश आ गई है, सर्दी में, सर्दी की पहली बारिश, ये देखिए। तो गाइज बस बच्चों को भी छुड़ाया और मैं खुद भी सो गई, दिन में बारिश आ रही थी, सर्दी हो गई। देखिए फ्रेंड आज मैंने बनाया है खड़ा मसाला, चिकन खड़ा मसाले का चिकन बनाया है। इमरान जी का कॉल आया था, वो बोले मैं आज लेकर आऊँगा सब्जी मटन की, तो मैंने पहले ही मंगा लिया था, मैंने सोचा आज उनको ऐसे एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं है, मैंने सोचा आज मैं खड़े मसाला का चिकन बना लेती हूँ भाइयों मेरे लिए। चलो आपसे मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद, पक चुका है उसको, दुनिया से गाने से करेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों ये लाए हैं इमरान जी, ये लेकर आए हैं सीनी 11वीं की, जो ये काम करते हैं उनकी सेठानी ने दिए यानी आंटी जी ने, और ये मटन भी लेकर आए हैं, गाय की सब्जी मटन की लगती है क्योंकि 11वीं किए थे, ऑब्वियसली मटन ही होगा, तो भी बहुत तेल तेल हो चुका है। देखिए ये देखिए बच्चे अभी तक नहीं सोए, ये सब खाना खा के ही सोएंगे, ये देखिए चीज़ खा रहा माहिर, और इनको मैं कच्चे में नहीं, तुम चलो मिलती हूँ आपसे कुछ देर। तो गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं, और ये देखिए आज इंडिया आ गई तो बहुत दुखी है, तो माहिर भी बहुत दुखी हो गया है बच्चा, तो कोई बात नहीं बेटा, हार जीत का खेल चलता रहता है, और मेरे भाई को बहुत खुशी है, खुशी तो इसको भी नहीं है, ये तो बस इसके पाकिस्तान का फैन है, तो कोई बात नहीं चलता रहता है। तो ये लेकर आए हैं अभी देखिए सब्जी, और मैंने बनाया है मटर और चिकन, ये देखिए आप, तो चलो खाते हैं, आप भी खाना खाएं सभी। ये मिशा देखिए अपने स्कूल क्या जाने लग गई, इसने तो बस हमारी बैंड बजा रखी। हाँ जी आ गए क्या आप, भूत थोड़ी बेटा मेरा आ गया ऐसे क्या, चलो खाना खाते, देखिए गरम रोटी आ गया, वो भी दिल में आ गया सबके। तो ये टेस्ट करके बताती हूँ मैं, आंटी से लेकर आया, ये इनको दिया स्पेशली, हर साल देती है वो 11वीं की न्याज बोल दिया वो तो मैंने, तो ये देखिए तो और पानी ला बेटा, अच्छा भी बना है, जो गोश्त जो बकरा था ना फ्रेश एकदम, अच्छा बकरा था एकदम। तो गाइस देखिए इसकी खीस निकालने के लिए बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड यानी इमरान जी, तो आप लोग भी निकालते होंगे, इनसे चूसा नहीं जा रहा है, तो मैं इनको प्लेट में से तो गाइस इसकी तो देखो निकल नहीं रही है, हाथ में भी दर्द होने लग गया, बहुत अच्छा गोश्त बना, बहुत ही अच्छा गोश्त बना, थैंक यू आंटी सो मच, मैं शादी हुई ना तब से मतलब मिला हमेशा भेजती आंटी जी, कभी भी जब भी कोई 11वीं करती है कोई भी फंक्शन रहता है ना, तो ये जरूर लेके आ जाते हैं, और एक ही टेस्ट है, और आज तो बहुत ही अच्छा गोश्त बना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा मेरा, और ये भी देखिए अभी तक खा रहे हैं देखिए, तो चीज इतने एक टेस्ट बनाता है, मैं तो फिर भी टेस्ट बदलता रहता मेरे से, लेकिन मैं आज इनसे यही बात करी थी, 10 से 11 साल हो गए मैं एक ही टेस्ट, ये बोले हमेशा ऐसा ही टेस्ट आया, ये पता नहीं मसाले का टेस्ट है जो उनके हाथों का कुछ कमाल है। चलो गाइस खाना पीना हो गया,
अभी मैं ब्लॉग को एडिटिंग करूँगी, फिर सुबह आएगा। और आप प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आदमी ने दूल्हे मेरे आपसे खुलते हैं। हेलो गाइस, तो बस रात हो चुकी है, बहुत लेट हो गया, रात के 1:30 बज रहे हैं। तो इस व्लॉग को मैं एंड भी करने आई और कुछ आपसे दो बातें मेरी शेयर करने आई हूँ, जो मुझे बहुत दुख हो रहा, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा सच में। देखो, अर्चना मेरी फेवरेट तो नहीं थी, लेकिन वो सही थी, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा वो गलत खेली है, कहीं ना कहीं दिख रहा था वो। लेकिन जो शिव के ऊपर चढ़ाई की, गला वाला पे हाथ लगाया, नाखून लग गया, हाँ माना गलत है, शिव ने भी थोड़ा बहुत उसको छेड़ने की कोशिश की, तो उसकी वजह से वो पहले से ही हाइपर हो रही थी। तो उसने, शिव ने दबाव में गलत डिसीजन ले लिया। बिग बॉस ने दो ऑप्शन दिए कि भाई ऑडियंस का फैसला लोगे या फिर आप खुद इसको इविक्ट करोगे। तो शिव ने सोचा समझा भी नहीं, फट से 1-2 सेकेंड में जवाब दे दिया। तो उसको, शिव को थोड़ा सा सोचना चाहिए था, और उसके ऊपर बहुत दबाव था शिव पे, निमृत का, मतलब सभी जो सिंबुल, शालीन, सारे जितने भी थे उसके ग्रुप में, तो सब। शिव अगर अपने आप से सोचता तो ये डिसीजन नहीं लेता, वो ऑडियंस पे छोड़ देता। लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा, उतना माफ़ी मांग रही थी। हाँ, उसमें थोड़ी सी अकड़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं सही भी थी, बहुत सही खेल रही थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया था उसको, थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो शिव ने, साजिद जी भी थोड़ा कम ही बोलते हैं, डिसीजन अच्छा लेते तो शायद शिव उनकी बात मान लेता, तो नहीं मानी तो कोई बात नहीं, चलो अब जो भी होगा सलमान सर बताएंगे उनको क्या सही था और क्या गलत। वो तो दिख रहा है अपन को, आप बताना क्या सही है और क्या गलत। मुझे जो लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, जो लोग नए सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, और मेरे भाई की मुझे बहुत याद आ रही है, 3 दिन हो गए वो गया है, कॉल भी किया था, ठीक है, थोड़ा सा उदास बोल रहा है, घर से दूर जाते हैं तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, जाने तो नहीं देती, लेकिन काम से ही गया वो अपने, तो बातचीत हो रही अच्छे से। तो अपना ख्याल रखना भाई शोएब, और सभी भाई को मेरा सलाम, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, और सभी को, मेरे घर वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक रहिए, खुश रखिए, खुश रहिए, वीडियो देखिए और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आप नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। सुबह बच्चों की स्कूल है, तो अभी मुझे सो जा रही तू, मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो देखिए गाइस, मैं दोनों बच्चों को सुला रही हूँ, सुबह इनकी स्कूल है, तो दोनों देखिए मेरी गोद में सो रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं मासूम बच्चे। जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो नींद आती है, मेरी मम्मा को बहुत मिस करती हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए।